अपनी रिपोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन कारू। सब यूपी के रहने वाले, सब बस्ती के रहने वाले। बस्ती के रहने वाले? मुंबई में कहाँ रहते थे? मुंबई में थाना में रहते हैं लोग। थाने तो रेड जोन है आपका। हाँ, वहाँ से कैसे लेके चले आप परमिशन? वहाँ, हाँ, वहाँ से पुलिस चौकी से हमारे नगर सेवक से, ठीक है, सब परमिशन का। इन मजदूरों की बेबसी को बयां कर रहे हैं ये गाड़ी नंबर, नंबर जो एक राज्य के हैं। वो राज्य कोई और नहीं बल्कि शिवाजी की कर्मभूमि महाराष्ट्र है। वही शिवाजी जिन्होंने पूरे भारत को एक करने का सपना देखा था, लेकिन आज की तस्वीर शिवाजी के उस सपने से बिल्कुल अलग है। लखनऊ, कानपुर और आगरा में दिखाई दे रही महाराष्ट्र की इन गाड़ियों में भर कर आए हैं वो प्रवासी मजदूर जिनको उनकी ही कर्मभूमि में जगह नहीं मिली। बात प्रवासी मजदूरों की है तो जिक्र औरंगाबाद का भी होगा, जहां घर पहुंचने की आस में 16 मजदूरों पर मौत की रेल चढ़ गई। सुबह होते ही उनके सांसें थम गई। घर की आस में सांस रुक गई। तो जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि अपने ही वतन में बटकर मजदूर क्यों कट रहे हैं। महाराष्ट्र की लापरवाही कहीं यूपी पर भारी तो नहीं पड़ेगी?
और ऐसा कहने को हम इसलिए मजबूर हैं क्योंकि ये मजदूर आज बंटवारे की सोच में पिस रहा है। 3,000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला महाराष्ट्र से पहुंचा, क्योंकि इस मुश्किल दौर में मजदूरों के लिए इंतजाम ही नहीं है और ये मजबूर अब जैसे तैसे अपने घर पहुंचने की आस में निकल पड़े हैं। थोड़ी देर आराम करने के लिए औरंगाबाद में शुक्रवार को एक मालगाड़ी ने पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों को रौंद डाला, जिसमें 16 श्रमिकों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। घायल मजदूरों को औरंगाबाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। मृतक मजदूर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या था? ट्रेन से एक्सीडेंट। कैसे? रेल पटरी से आ रहे थे। हाँ। तो वहाँ से आते आते हम लोग सुबह से हीट थी, मतलब चलते चलते थक गए थे। हाँ। इसके बाद थक गए थे, पानी की आज भी लग गए, पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। हाँ। तो थोड़ा सा जुम आ गया, मतलब आँख लग गई। हाँ। तो उधर से ट्रेन आ गई। हाँ। कितने लोग थे आप? 19 लोग। हाँ? 19। और आप कब? जनवरी में आए थे? हाँ, जनवरी। अभी वापस क्यों जा रहे थे फिर? अभी थोड़े घर में काम आ जाने की वजह से। क्या काम था? अब माँ अकेला है। हाँ हाँ। और घर वाली है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उसकी शादी हुई है इंदर के? नहीं। ठीक है। और अभी तो अभी आपने हाल देखा है मजदूरों की बेबसी का, लेकिन मजदूरों का हाल पूरे प्रदेश में ऐसा ही है। इस दोपहर में लंबा सफर और अपने घर पहुंचने का सपना, आइए अब आपको दिखाते हैं हालात कुछ और जिलों के। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क की अहमियत का कोई मतलब। कोरोना का खौफ तो छोड़िए, इन मजबूरों की आंखों में इस वक्त सिर्फ घर बस रहा है। सर, ये लोग बोल रहे हैं कि जाओ पीछे मंडी में रहो और मंडी से तुम्हें बस की व्यवस्था करके भेजा जाएगा। और सर, मंडी में कल हम लोगों को रात में मथुरा कोसी कला में रखे थे सर, रात में खाना भी नहीं दिए खाने को। सारी रात बोले खाना आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सर खाना आया ही नहीं। और जो खिचड़ी आई उसमें सर नमक ही नहीं था, और फिर उसके बाद खाना आया जो उसमें खाना मिला ही नहीं, सबको हटा ही नहीं।
मैं मिल पा रहा नहीं, फरीदाबाद से मैं आया हूँ, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, बस अपना चेकअप भी हमारा हुआ है मथुराबाद में, मथुरा में हमारा चेकअप भी हो गया है। क्या लगता है कितना ज्यादा परेशान है, कितने किलोमीटर दूर से आप? बहुत ज्यादा, हरियाणा गुड़गांव से पैदल चल रहे हैं हम, बराबर 3 दिन हो गया, चौथा दिन है। सरकार जो कागजों पे खेल रही है, अगर जमीनी लेवल पे आके काम करेगी तो शायद कुछ ज्यादा अच्छा परिणाम होगा, जनता भी खुश होगी और हम अपनी सरकार। कहाँ जाना है? हमें जाना है फतेहपुर। फतेहपुर जाना है, कानपुर आ गया जी। और ऐसे में आपको रोक दिया गया बॉर्डर पे? सुबह 7 बजे से हम यही है, ना तो खाने की कोई व्यवस्था है ना पीने की, और ऊपर से प्रशासन कह रहा है पीछे चले जाओ। अब यहाँ पर करें तो आखिर क्या करें? क्वारंटाइन भी नहीं कराया किसी? सरकार की हर राजनीति पे हमेशा अगर कोई पिसता है तो वो है मध्यम वर्ग का आदमी। महाराष्ट्र सरकार के अलावा लापरवाही और भी है, किन किन मुसीबतों का सामना मजदूरों को करना पड़ रहा है। जो मजदूर आगरा होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, उनका दर्द सुनेंगे तो हर किसी को उनकी हालत पर तरस आने लगे। देख आगरा से संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। इनके वोट से सरकार बनती है, इन मजदूरों के वोट से देश चलता है, इन मजदूरों की ताकत और पौरुष से, सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन मजदूरों के साथ किस तरीके से एक बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये हाल तब है कि जब देश में मजदूरों पर लगातार राजनीति हो रही है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन जो आगरा में जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने कैमरा पर्सन थोड़ा हाइट पर चढ़ जाएं और हाइट पर चढ़ के दिखाएं कि आगरा में इस समय लगातार क्या हाल बना हुआ है। सैकड़ों की तादाद पर जो मजदूर हैं वो आगरा फिरोजाबाद बॉर्डर पर यहाँ मौजूद हैं और लगातार वो परेशान हैं। खाने पीने को उनको मिल नहीं रहा है और लगातार वो शोर शराबा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि फिरोजाबाद प्रशासन कह रहा है कि आगरा प्रशासन इनकी जिम्मेदारी संभाले और आगरा प्रशासन कह रहा है कि फिरोजाबाद प्रशासन की जिम्मेदारी संभाले। कुल मिला के कहा जाए स्थिति अच्छी नहीं है और तमाम बातें हो रही हैं वो केवल बातों तक ही है, जमीनी धरातल। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको देखकर लगता है कि देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की जो रीढ़ है यूपी बिहार के मजदूर, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मराठी और गैर मराठी मानसिकता से काम हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने बगैर इंतजाम यूपी रवाना किए मजदूर। 24 घंटे में महाराष्ट्र नंबर की करीब 3,200 गाड़ियां लखनऊ पहुंची। छोटी छोटी गाड़ियों में दर्जनों मजदूरों को भरा गया। सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर भेजे जा रहे हैं मजदूर। आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की रीढ़ है यूपी बिहार के मजदूर। मुश्किल वक्त में मराठी और गैर मराठी मानसिकता से काम। कोरोना के मुश्किल दौर में मजदूरों के लिए इंतजाम नहीं। महाराष्ट्र की लापरवाही यूपी पर पड़ सकती है भारी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र। इस मुश्किल दौर में भी मजदूरों के लिए इंतजाम नहीं है। ऐसे में मजदूर की मजबूरी को समझना बेहद जरूरी है, वरना औरंगाबाद जैसे हादसे रुकने का नाम नहीं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। महाराष्ट्र की लापरवाही कहीं यूपी पर भारी तो नहीं पड़ेगी, और ऐसा कहने को हम इसलिए मजबूर हैं क्योंकि ये मजदूर आज बंटवारे की सोच में पिस रहा है। 3,000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला महाराष्ट्र से पहुंचा, क्योंकि इस मुश्किल दौर में मजदूरों के लिए इंतजाम ही नहीं है और ये मजबूर अब जैसे तैसे अपने घर पहुंचने की आस में निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र की लापरवाही यूपी पर पड़ेगी भारी। महाराष्ट्र की लापरवाही यूपी पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मजदूर तो मजबूर हैं, लेकिन क्या सरकारें भी मजबूर हैं जो इन मजदूरों के दम पर राज्यों को भरपूर बनाती हैं, उसके बाद मजबूरी में उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। लखनऊ कानपुर हाईवे की तस्वीर देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि लॉकडाउन अभी 17 मई तक जारी है। यहां आपको ट्रकों, छोटे टेम्पो और जीप में भरकर मजदूर पूर्वांचल के जिलों में जाते दिख जाएंगे। इनमें ज्यादातर गाड़ियों में नंबर सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में महाराष्ट्र की सरकार की ओर से लापरवाही बरती जा रही है वो हैरान करने वाली है। यूपी में अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है और महाराष्ट्र से लौटे मजदूर अपना दुख बता रहे हैं। तमाम जो गाड़ियां हैं उसमें इसी तरह से प्रवासी मजदूर भर भर के अब दूसरे दूसरे जिलों में जा रहे हैं। ये एक छोटा टेम्पो है, महाराष्ट्र से आ रहा है, नासिक से, और इसमें भी देखिए किस तरीके से भूसे की तरह इंसान भरा हुआ है।
जिस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हम तमाम और बातें करते हैं, सारे नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये भी गाड़ी आप देखिए, कहाँ से आ रहे हो भैया आप लोग, कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से आ रहे हैं। कहाँ, किस जगह? भिवंडी। तो वहाँ आप लोग क्वारंटाइन में थे कहीं, की ऐसे ही रह रहे थे और चले आ रहे हैं? नहीं, क्वारंटाइन में थे। नहीं थे? तो कितना किराया दे रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, घर के। आप लोग कितना कितना किराया दे के जा रहे हैं? घर की गाड़ी है ये, घर की गाड़ी। देखिए पूरा परिवार जो है वो यहाँ जा रहा है। तो वहाँ कोई दिक्कत थी, तकलीफ थी? वहाँ तो सरकार कह रही थी कि हम खाने को दे रहे हैं, यहीं रहिए, लॉकडाउन चल रहा। कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला खाने वाने को, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला खाने को। यहाँ कहीं पूरे रास्ते 1200 किलोमीटर आप चलाए, कहीं चेकिंग वगैरह हुई? कुछ नहीं हुआ। उनकी बेबसी एबीपी गंगा लगातार आपको दिखा रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र से लौटे मजदूरों का, ना वहाँ मजदूरों के लिए खाना है, ना ही किसी तरह के इंतजाम। कहाँ से जा रहे हो भैया, कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से। बस्ती तक, यूपी बस्ती। 14 लोग। हाँ, क्या रोकेंगे भाई, जब खाना पानी है नहीं तो रोक के क्या करेंगे? खाने को नहीं दिया, सबका यही आरोप है कि खाने को नहीं मिला। और ये भी बस्ती तक जा रहे हैं, ज़्यादातर पूर्वांचल के जो ज़िले हैं वहीं से जो प्रवासी मजदूर हैं वो मुंबई जाते हैं, अलग अलग वहाँ के जो शहर है वहाँ जाते हैं, रोजी रोजी रोजगार के जुगाड़ में जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी आपको दिखेगी, और ये कोई एसेंशियल गुड्स ले जाते हुए ये ट्रक या वाहन नहीं दिखेंगे, बल्कि भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नासिक से। कहाँ जा रहे हैं? इसी तरह तमाम सारे जो लोग हैं वो ट्रकों में, छोटे छोटे वाहनों में, वो अब निकल रहे हैं, महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि दरअसल वहां पर ना खाने का इंतजाम है। 24 घंटे के भीतर करीब 3200 गाड़ियां महाराष्ट्र से यूपी आकर मजदूरों को छोड़कर चली जाती हैं। न ट्रेन की व्यवस्था, न बस। इन मजदूरों को बिना बंदोबस्त के उनके हाल पर छोड़ दिया गया। लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक हैं, जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे लोग हैं, वो अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही है कि उनको घरों तक पहुँचाया जाए, लेकिन जो लोग पैदल चल चुके हैं और अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप तस्वीरें देखेंगे, हम इस वक्त 12 जोड़ कानपुर का जो टोल प्लाजा है वहाँ पे मौजूद हैं, और एक लाइन से आप जितने भी ट्रक देखेंगे उसमें जो लोग हैं वो सवार हैं। और कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और स्वच्छ, साफ सुथरी और कई तरह से गंदगी ना फैले उसकी बात की जाए, लेकिन ट्रकों में जानवरों की तरह जो लोग हैं वो भरे हुए हैं। हालांकि जो टोल प्लाजा पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनके द्वारा लगातार जो पैदल लोग आ रहे हैं उनको ट्रकों को रोक कर उनमें बैठाया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो लगातार अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और तस्वीरों में देखेंगे कि ये लोडर आप देखेंगे मेरे सामने कि ये ढका हुआ है और इसमें भी लोग सवार हैं, तो आपको दिखाएंगे चल के कि इसमें जो लोग हैं वो बैठे हुए किस तरह से, छोटा सा लोडर है उसमें भी कितनी ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हुए हैं, ऊपर टेंट ऊपर तक भरे हुए हैं। तो साफ है कि लोग अपने घरों तक पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए हर मुश्किल चुनौती से लड़ते हुए पहुंच रहे हैं वो। महाराष्ट्र में ना मजदूरों को खाना मिला, ना क्वारंटीन करने की कोई व्यवस्था की गई, और ना ही उन्हें रास्ते में कहीं रोका गया। अब हालात ऐसे हैं कि यहां आकर मजदूर अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। इन मजदूरों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग और इंतजाम के लाया जा रहा है। कुछ खाने को मिला आपको? चार हजार मेरे से तो 4500 रुपए लिए 3 आदमी से, बाकी 4000 रुपए गोंडा बस्ती तरफ ले जा रहे, मैं तो एक कानपुर से। आप लोगों से भी रुपए लिए गए? हाँ, 4000। चार हजार? हाँ। कब से बैठे हैं इसमें? हम लोग बैठे हैं 4 तारीख को, 4 तारीख को रात को 12 बजे से निकला। 4 तारीख को निकले हम लोग 12 बजे से। चलिए, कहाँ जाना है आपको? हमको बलरामपुर जाना है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो लोग हैं वो लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने घरों तक जाने के लिए। पुलिसकर्मी हैं वो कुछ लोगों को ट्रकों में बैठा ले, तो जो कुछ गाड़ी के मालिक हैं वो रुपए लेकर उनको घरों तक भेजने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, जिधर भी आपकी नजर जाएगी तो सिर्फ आपको मजदूर दिखेंगे।
ये तो जादू की छड़ी।